नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले TDC पार्ट 2 रिजल्ट, जिनका भी पेंडिंग हो गया है, नॉट फाउंड शो हो रहा है, या फिर अगर आप प्रमोटेड हो गए हैं और अगर आप फेल हो गए, तो इसको लेकर के हम सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाले। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जो है आने वाले टाइम में आपको वैल्यूबल वीडियोज़ जो है हमारे चैनल के ऊपर मिलते रहे, आपके पढ़ाई के रिगार्डिंग, एडुकेशन के रिगार्डिंग और यूनिवर्सिटी के अपडेट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, जो भी स्टूडेंट का रिजल्ट प्रमोटेड हो गया है या फिर फेल हो गया है, पेंडिंग का बाद में हम बात करेंगे, नॉट फाउंड का हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, एबसेंट का भी हम बाद में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट प्रमोटेड हो गए हैं। तो प्रमोटेड, आप किसी एक सब्जेक्ट में जो है कम मार्क्स आने की वजह से प्रमोशन आपका लग गया होगा, यानी उस सब्जेक्ट में आप फेल कर गए होंगे, जिसके वजह से जो आप पार्ट 3 में प्रमोटेड तो कर दिए गए हैं, लेकिन आपको जो अपना पार्ट 2 क्लियर करना रहेगा, चाहे सब्सिडी में लगा होगा, सब्सिडी में अगर लगा है तो आपको सब्सिडी सब्जेक्ट का ही परीक्षा देना होगा। और ये परीक्षा कब होगी, तो जब पार्ट 2 स्पेशल परीक्षा होगा, 22 से 25 का ही होगा, तब जो है आप लोग अपीयर करके अपना जो है पार्ट 2 क्लियर कर लीजिएगा। अभी आपको जैसा कि पता है 22 से 25 का स्पेशल पार्ट 1 परीक्षा भी होने वाला है, तो वो परीक्षा होगा, उसके बाद ही स्पेशल पार्ट 2 परीक्षा होगा, तो अभी इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। तो पार्ट 1 स्पेशल परीक्षा जो है हो सकता है अगले महीने हो जाए, या फिर इस महीने के अंत तक कोई ना कोई रिपोर्ट मिल जाएगा पार्ट 1 स्पेशल परीक्षा को लेकर के। और ठीक पार्ट 2 स्पेशल परीक्षा भी जो है आपको दिसंबर के महीने में मे बी हो जाए, तो उस टाइम पे अपीयर होकर के जो भी स्टूडेंट प्रमोटेड हुए हैं वो अपना क्लियर कर लेंगे। अगर आपके ऑनर्स पेपर में, अगर किसी एक ऑनर्स पेपर में क्रॉस लगा है, तो ये आप जान लीजिए कि आपको दोनों ऑनर्स पेपर का परीक्षा देना होगा। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है कि ऑनर्स पेपर 3 और 4 आपने इसमें पढ़ा होगा, तो आपको अगर 3 में लगा हो या 4 में लगा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको दोनों ऑनर्स पेपर की परीक्षा देनी होगी। सब्सिडी में किसी एक में लगा होगा तो आपको सब्सिडी में देना होगा, कंपोजिशन MIL में अगर लगा होगा तो सिर्फ MIL का परीक्षा देना होगा, लेकिन ऑनर्स में एक में भी लगता है तो दोनों का परीक्षा देना पड़ता है। और ऑनर्स सब्जेक्ट में दोनों पेपर मिला करके 90 नंबर आना चाहिए, तभी जो आप पास माने जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। जो फेल हो गया है वो तो आप पार्ट 2 के पार्ट 2 में ही रहेंगे, अपना पार्ट 2 जो है क्लियर करेंगे स्पेशल परीक्षा के साथ, और उसके बाद जब वो क्लियर कर लेंगे तब जो है जा करके पार्ट 3 में शामिल होंगे परीक्षा में। ठीक है, ये प्रमोटेड वाले स्टूडेंट लेकिन पार्ट 3 में शामिल होंगे, इस बात का जानकारी रखिए। और आपके पास इनफ टाइम है अभी, क्योंकि पार्ट 3 का जो एग्जामिनेशन है वो अगले साल होगा, 25 में होगा, वो भी कहीं आपको जो है मई जून जुलाई में जाकर के परीक्षा होगा, तो आपको घबराने की बात नहीं है, परीक्षा देने का आपको जो पूरा मौका मिलेगा, इसी बीच जो है स्पेशल परीक्षा भी करवाया जाएगा, उसी में आप लोग दे करके पास हो जाइएगा, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो भी स्टूडेंट का पेंडिंग रिजल्ट हो गया या फिर एबसेंट दिख रहा है, आप एग्जामिनेशन दिए हैं उसके बावजूद जो है एबसेंट कर दिया गया है आपको, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा जो है सबसे पहले तो जिस एग्जामिनेशन सेंटर पे आपका परीक्षा हुआ है वहाँ जा करके आपको कॉपी मेमो निकलवाना है और अटेंडेंस मेमो निकलवाना है। ये दोनों मेमो निकलवा करके आपको एक एप्लीकेशन लिखना रहेगा। एप्लीकेशन क्या लिखना होगा, तो देखिए अभी के अभी अपने मोबाइल पर जो गूगल पर आकर के जो क्लिक टुडे लिखिए और पहला जो वेबसाइट आएगा इसको ओपन करिए। ओपन करने के बाद जो आपको नीचे यहाँ पर सर्च बार दिखाई देगा, पेंडिंग एप्लीकेशन यहाँ लिखिएगा। जैसे लिखिएगा तो आपको जो है एप्लीकेशन का जो पूरा फॉर्मेट आ जाएगा, जिसको आप जो लिख करके सबमिट करेंगे अपने कॉलेज में, ये जो आपका पोस्ट दिखेगा इसके ऊपर क्लिक करिएगा और नीचे आइएगा। यहाँ पे देखिए सेवा में, यहाँ पे जो श्रीमान परीक्षा नियंत्रक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, विषय में क्या है कि ऑनलाइन परिणाम में जो है सुधार के संबंध में कोई भी अगर इशू होगा, जिस डेट को एप्लीकेशन लिख रहे होंगे उसका डेट डाल दीजिएगा। निवेदन इस प्रकार है कि मेरा एग्ज़ाम रोल नंबर जो आपका रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका रहेगा वो लिखिएगा, है मैं आपके विश्वविद्यालय से जो है संबंधित जो भी कॉलेज का नेम रहेगा वो लिखिएगा, महाविद्यालय में बीए बीएससी बीकॉम जिसमें भी आप कोर्स अपना जो है परस्यू कर रहे हो वो लिखिएगा, जो भी सेशन रहेगा वो लिखिएगा, द्वितीय मतलब टीडीसी पार्ट 2 का जो रिजल्ट आया है, वर्ष का छात्र छात्रा जो भी अगर आप हों वो लिखेंगे, उसके बाद जो है महोदय मुझे दिनांक 3/9/2024 को मेरा ऑनलाइन परीक्षा परिणाम प्राप्त हुआ, जिसमें कई चीज़ें नहीं दर्शाई गई है, जैसे कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, जिसमें भी आपका गड़बड़ी होगा वो आप अपना देख लीजिएगा, जिस ऑनर सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं दिख रहा होगा वो अपना दे दीजिएगा, के विषय में का अंक भी जो है नहीं दिख रहा, जो भी अंक नहीं दिख रहा होगा वो बता दीजिएगा। अतः मेरा आपसे यह अनुरोध है कि कृपया मेरा परीक्षा परिणाम में जो है हुए इस त्रुटि को जो है जल्द से जल्द जो है सुधार करवा कर दोबारा रिजल्ट घोषित करें, मैं आपका सदा आभारी रहूँगी, ये आपको जो है एप्लीकेशन में लिखना होगा। अगर आपका एब्सेंट है तो आपको कॉपी मेमो निकलवाना होगा, ठीक है, कॉपी मेमो और अटेंडेंस मेमो निकलवाना, जिससे कि ये प्रूव होगा कि आप जो उस दिन परीक्षा दिए हैं कॉलेज में जाकर के सेंटर पे, ठीक है। और अगर आपका नॉट फाउंड दिखा रहा है तो आपको सिंपल सा जो है ये एप्लीकेशन लिखना है
और अपने कॉलेज में पहले सबमिट करना है। 3 दिन आप रुक जाइए, उसके बाद कोई अपडेट यूनिवर्सिटी से आएगा। अगर नहीं सुधार होता है तो 3 दिन बाद आपका सुधार ऑटोमेटिक हो जाएगा, नहीं होगा तो ये एप्लीकेशन लिख करके जमा कर दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया पेंडिंग और एबसेंट वालों का। ठीक है, नॉट फाउंड वालों का भी सेम यही करना है, अगर आपका नहीं दिख रहा तो एप्लीकेशन लिख करके कॉलेज में जमा कर दीजिएगा। यही बस सिंपल से कुछ जो आपको काम करने हैं, ये एप्लीकेशन आप ज़रूर लिख लीजिएगा। हालांकि ऑटोमेटिकली कहा जाता है कि रिजल्ट ठीक हो जाता है, शो होने लगता है, लेकिन ऐसा होता हुआ बहुत कम बार ही देखा गया है। इसीलिए जो है ये सारे प्रोसीजर है जो कि आपको फॉलोअप करने होंगे, जिसके तहत आपका जो रिज़ल्ट है ऑनलाइन वो शो करने लगेगा और सही हो जाएगा। फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न आपका जो भी आया होगा वो आप जो है रिज़ल्ट आने का देख सकते हैं। जिनका आ गया है उनका तो सही है, जिनका नहीं आया उनके लिए ये जो है काम करना पड़ेगा। आपका कोई अतिरिक्त सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।